अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल जुनेद जमशेद। एक बार फिर आप तमाम व्यूअर्स की खिदमत में हाजिर है, और जितने भी व्यूअर्स आउट ऑफ कंट्री हैं उन तमाम व्यूअर्स को हमारी पूरी टीम की तरफ से रिस्पेक्ट और आदाब। तो व्यूअर्स, आज हम एक नेचुरल इन्वायरमेंट में आए। यहाँ पे हम आज आपको कराची का थड्डो डैम जो है वो विज़िट कराएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से जानवर नज़र आते हैं। वैसे तो लाइट के जो टाइमिंग है वो काफ़ी कम रह गया, हम काफ़ी देर से पहुँचे हैं यहाँ पे, अराइव जो किया काफ़ी देर से किया है। तो कोशिश तो यही करेंगे कि जो भी चीज़ नज़र आती है नेचुरल इन्वायरमेंट में, किस तरीके से जानवर पल रहे हैं अगर नज़र आते हैं तो आपको दिखाएंगे। तो आपको एक नज़ारा दिखा देता हूँ, यहाँ का ओवरव्यू दिखा देता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को। ये पानी के किनारे हम मौजूद हैं, ज़्यादा आगे नहीं, आगे देख के नीचे भी देख लें। तो व्यूवर्स, ये है पैसेज जहाँ से नीचे उतरते हैं पानी के लिए, और ये डैम का एक लेवल है जहाँ पे पानी स्टोर होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ऊपर तक पानी आ जाता है, और डैम को बेसिकली इसी वजह से इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि पानी स्टोर्ड हो यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं अभी भी काफ़ी पानी स्टोर्ड है, लेकिन अभी डैम काफ़ी खाली है। और उम्मीद तो यही है कि जो बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो इतनी बारिशें होंगी ये फुल हो जाएगा। तो आइए पानी के किनारे चलते हैं और देखते हैं थोड़ा पानी को भी, इसकी गहराई का जो मीटर है ना सामने लगा हुआ। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मेजरमेंट भी की जाती है डैम की, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेवल बनाए हुए हैं कि कितने फीट पानी यहाँ पे स्टोर्ड है। और सामने ही एक और रास्ता है जो पानी की तरफ उतरता है, तो दो पैसेज दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी बड़ा ये ग्राउंड है जहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है। हालिया अभी इतनी बारिश हुई है कराची में, फिर भी यहाँ पे पानी बहुत कम नज़र आ रहा है। और अभी जो हम किनारे पे पानी देख रहे हैं तो थोड़ा गंदा पानी नज़र आ रहा है जिसमें मिट्टी वगैरह शामिल है। तो उम्मीद तो यही है कि भरेगा ये अभी जब बारिश होंगी। तो चलें अब थोड़ा विज़िट करते हैं, यहाँ पे जो नज़ारे हैं वो आप तमाम व्यूअर्स को दिखाते हैं। इसके अलावा फर्दर अगर कोई यहाँ पर एनिमल बर्ड्स नज़र आता है तो वो आप तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे। तो व्यूवर्स, ये तो आपको दिखाया कि डैम के साइड पे जो विज़न था, व्यू था, नज़ारा था, वो आप तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर किया। अब आपको थोड़ा जंगलात भी दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने जो पेड़ लगे हुए हैं, झाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर कुछ वाइल्ड एनिमल्स मौजूद होंगे तो वो आप तमाम व्यूवर्स को दिखाएँगे अगर यहाँ पर दिखते हैं हमें। तो अब झाड़ियों के करीब जाएंगे, और कुछ हमने यहाँ पे बेट लिए, यानी कि चारा वगैरह जिस तरीके से एग्स होते हैं या कोई और चीज़ होती है, तो वो हम डालेंगे झाड़ियों में, ताकि अगर कोई भी जानवर या एनिमल नज़र आए तो वो आप तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर करें। तो व्यूअर्स, यहाँ से हम नीचे उतरेंगे, और आप लोगों को बता दूँ मौसम भी काफ़ी सुहाना हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। और अगर आपका कभी गलती से गर्मी में आना हो गया डैम में तो आपको पता चल जाएगा कि जंगलात की गर्मी कैसी होती है, बहुत ज़बरदस्त गर्मी होती है यहाँ पे। और जब बारिश का सीज़न आता है, मानसून आता है, तो काफ़ी अच्छा एक एनवायरनमेंट बन जाता है जंगलात का, काफ़ी अच्छा एक विज़न बनता है, क्योंकि सब जगह हरियाली नज़र आती है और पौधे जो है वो उगना शुरू हो जाते हैं, नए पौधे निकलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि काफ़ी पौधों में नई टहनियाँ निकल रही हैं, नए पत्ते निकल रहे हैं। तो आइए फर्दर चलते हैं और डालते हैं दाना वगैरह, देखते हैं कि कोई बर्ड आता है या कोई एनिमल आता है। तो साथ में हमने एग्स भी रखे हैं कि अगर यहाँ पे नेवला, सांप वगैरह मौजूद हो तो वो भी अगर नज़र आए तो वो आप तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर करें। तो व्यूअर्स, अब हम डैम के बिल्कुल निचले सतह पे आ गए हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेयर्स के थ्रू एक रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने नीचे उतरने के लिए। और यहाँ पे पानी भी है कोने पे जहाँ पे वहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं जंगलात के साइड पे जहाँ पे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ पे हम सांप, नेवले वगैरह के लिए अंडे रखेंगे, ताकि अगर वो खाने के लिए आते हैं तो आप तमाम व्यूअर्स को दिखा सकें कि जंगली एक वाइल्ड एनवायरनमेंट में ये किस तरीके से रहते हैं। तो व्यूअर्स, बेट रेडी है तो ये लगा देते हैं, और किसी अच्छी प्लेस पे लगाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि कोई वाइल्ड एनिमल मिले और हम उसकी वीडियो बनाएं और आप तक शेयर करें।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल पेड़ लगे हुए हैं। तो इन एनवायरनमेंट पे यहाँ पे थोड़े एनवायरनमेंट जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो ठंडा होता है, और स्नैक और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर ठंडे एनवायरनमेंट में रहती हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एग। तो सबसे पहले थोड़ा सा एग को हम क्रैक कर लेंगे। इतना हमने क्रैक किया इसको कि इसकी स्मेल जो है वो वाइल्ड एनिमल्स तक जा सके। तो एक यहाँ प्लेस कर देंगे। सेकंड एग को रेडी कर लिया मैंने, इसको थोड़ा सा फर्दर आगे हम प्लेस करेंगे। और ये जो थर्ड एग है इसको रेडी कर लेते हैं। नहीं नहीं तो हमने इनको ओपन एनवायरनमेंट में रखा है ताकि यहाँ पे अगर कोई वाइल्ड एनिमल आता है तो उसकी वीडियो हम प्रॉपर बना सकें और आप लोगों को दिखाएं कि एक वाइल्ड एनिमल जब एनवायरनमेंट में होता है तो उसके कलर क्या होते हैं, उसकी एक्टिविटी क्या होती है। तो व्यूवर्स, दूसरी प्लेस में भी हम इसी तरीके की बेट लगाएंगे ताकि कोई वाइल्ड एनिमल आए तो हम आपको दिखा सकें। तो यहाँ पे पहला एग जो है हम प्लांट कर दिया हमने, सेकंड एग थोड़ा फर्दर दूर करेंगे। तो तीन एग हमने यहाँ पे भी प्लांट कर दिए। तो एग्स हमने प्लांट कर दिए, लगा दिए हैं, और जब भी आपको कोई वाइल्ड एनिमल देखना होता है तो उसको कुछ ना कुछ तो आपने लालच देनी होती है कि वो बाहर आए। तो इसी वजह से हम कुछ बेड्स लाए थे, यानी कि चारा लाए थे, खाने की चीज़ें लाए थे, ताकि वाइल्ड एनिमल्स बाहर आएँ तो हम उनकी रिकॉर्डिंग करें और आप तमाम व्यूवर्स को दिखाएँ। तो व्यूवर्स, तीसरी जगह हमने ये प्लेस सेलेक्ट की है क्योंकि यहाँ पे पहले पानी का गुज़र था और ये प्लेस भी थोड़ी ठंडी है, तो हमने इसी वजह से ये जगह सेलेक्ट की है। तो यहाँ के लिए भी हम एग्स रेडी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एग्स हैं वो लगा दिए हैं, अब इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि कोई यहाँ पे वाइल्ड एनिमल आता है या नहीं। वैसे तो इत्तलात ये मिली है कि यहाँ पे काफ़ी सांप मौजूद हैं और इस तरीके के नेवले जो ठंडे एनवायरनमेंट में रहते हैं एनिमल वो मौजूद हैं। तो आइए फर्दर देखते हैं क्या होता है। तो व्यूवर्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरे यहाँ पर बजरी है और कोई फ्लावर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे फूल नज़र आया। और आप लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं, प्रे मेंटिस भी मौजूद है। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे मौजूद है, और इसको अगर हम फर्दर छेड़ के दिखाएं तो थोड़ा सा आपको वाजे नज़र आएगा ना। ये रहा बाहर आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं इस किस्म के फूल जो फर्स्ट टाइम हमने जंगल में देखे हैं, और काफ़ी ख़ूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। आप जहाँ पे भी नज़र डालते हैं तो हरियाली नज़र आती है, और शहर का जो शोर होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। पोल्यूशन फ्री जगह है, आप आए यहाँ पे और इन्जॉय करें। प्लस यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर लोग आउटिंग के लिए आते हैं, फ़िशिंग के लिए आते हैं, तो यहाँ पर
एक अच्छा इन्वायरमेंट है, क्योंकि जंगलात के फ़वाद बहुत हैं, ये तो हम पढ़ते रहते हैं लेकिन फिज़िकली इम्प्लीमेंट कभी भी नहीं करते। तो आप आएँ जंगल में और देखें कितना सुकून है यहाँ पे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं घना जंगल स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे तरह तरह के पौधे भी हैं। और यहाँ पे हमें एक पौधा अच्छा लगा था, उसके हमने सीड्स भी कलेक्ट किए हैं, इंशाल्लाह इसको भी ग्रो करेंगे। और फर्दर आप लोग को ये बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक पैसेज बना हुआ है, यहाँ से पहले पानी भी गुजरता था और अब इतना बड़ा पैसेज है कि बाइक्स वगैरह गुजरती हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे ये बेर की बेल भी नज़र आई है, एक तरीके का बुश होता है ये, बेसिकली ना पेड़ बनता है प्रॉपर और ना बेल की सूरत में होती है, झाड़ी जिसको कहते हैं उस तरीके का ये होता है। और काफ़ी अफादियत है बेर की भी। और यहाँ पे ये जो हम दरख्त देख रहे हैं, इसमें छोटे बेर होते हैं, वो भी आप लोग को दिखाते हैं अगर यहाँ हमें नज़र आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक बेर लगा हुआ है, बाकी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक बेर नज़र आया, बाकी जितने भी बेर निकलते हैं यहाँ के वाइल्ड एनिमल उसकी दावत उड़ाते हैं। और आप लोग को ख़ुद भी पता है कि बेर की कितनी अफादियत है, तो जंगली जानवर भी इस अफादियत से वाकिफ़ हैं। और यहाँ पे जो हम दरख्त देख रहे हैं, इसमें सिर्फ़ एक बेर नज़र आया, जबकि काफ़ी क्वांटिटी में निकलते हैं जब भी बेर होते हैं तो। और अभी भी आप देख सकते हैं स्टिल इसमें कितने सारे फूल नज़र आ रहे हैं, ये पूरा दरख्त फूलों से भरा हुआ है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने तीन प्लेस के ऊपर एग जो है वो प्लांट कर दिए हैं, यानी कि अंडे रख दिए हैं। और आप लोगों को बता दूँ, खसूसतन सांप, गो सांप और नेवला, ये जो है वो शौक से एग्स को खाते हैं, ये इनकी फेवरेट डिश होती है। तो हमारी कोशिश यही थी कि ख़ासकर इनको लाया जाए कैमरे के आगे, क्योंकि ये एक ऐसा जानवर है जो कि काफ़ी हफ्तों के बाद फीड लेता है और छुपा रहता है। एक हफ्ते तक भी अगर सांप को खाना नहीं मिलता तो वो ज़िंदा रहता है और जंगलों में काफ़ी कम नज़र आता है। तो हमारी कोशिश यही थी कि एक चैलेंजिंग वाइल्ड एनिमल को दिखाया जाए, तो यहाँ पे किस तरीके से रहते हैं, कितनी एक्टिविटी करते हैं, ये सब चीज़ें उसके नज़र आने के बाद ही नज़र आ जाएंगी। तो हमने तीन प्लेस के ऊपर यहाँ पे लगाए हैं, फर्स्ट प्लेस तो यहाँ है अंदर, सेकंड प्लेस हमने आगे फर्दर इधर लगाए हैं, प्लांट किए हैं, और थर्ड प्लेस जो है ये बेसिकली पानी के गुज़र की भी जगह थी और इस तरीके की जगह में सांप ज़्यादा रहते हैं। तो तीन प्लेस के ऊपर लगाए हैं, अब वक्फे तो तीन प्लेसेस हमने सेलेक्ट की थी एग लगाने के लिए। अब वक्फे वक्फे से इसको चेक करेंगे फर्दर, अगर कोई यहाँ पे हमें मूवमेंट नज़र आती है तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने एग्स प्लांट किए थे तो वहाँ पे हमने चेकआउट किया, एक प्लेस ऐसी थी जहाँ पे हमें एग्स नहीं मिले। गालिबन यहाँ पे जो नेवले वगैरह थे और जो बर्ड्स जिसमें कौवे वगैरह हैं वो ले गए होंगे बेसिकली। और यहाँ पे अब लाइट भी काफ़ी कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो आज का जो एडवेंचर था वो ये रहा, कोशिश तो हमारी यही थी कि वाइल्ड एनिमल आप तमाम व्यूवर्स को दिखाएं, बट हम लोग थोड़ा लेट भी पहुँचे थे लाइट कम होने की सूरत में। दिन में तो हमें कोई भी जानवर नज़र नहीं आया, गालिबन हो सकता है रात को ये एग्स जो है वो खा लिए जाएँ, ले जाएँ जानवर वाइल्ड एनिमल। तो इनको हम यहाँ ऐसे ही छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, ताकि जो भी एनिमल हो उसकी खुराक पूरी हो सके इससे भी, क्योंकि हम लाए उनको देने की नियत से थे। तो यहाँ पे हम वो एग्स लीव कर देंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, जंगलात के काफ़ी फ़वाद हैं, हम लोग इसको दिमाग में नहीं रखते। और जब हम शहर से जंगल की जानेब आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सुकून है, शहर की गहमा गहमी नहीं है और एक सुकून मिलता है जहन को, इंसान को। और यहाँ की आबो हवा भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो गुड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, और हम ज़्यादातर अपने घरों वगैरह में पौधे नहीं लगाते, जिसकी निस्बत हम तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो आप तमाम व्यूवर्स से आज की इस वीडियो में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तमाम व्यूवर्स पौधे भी लगाएँ और इस तरीके की एक्टिविटी में भी हिस्सा लिया करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आए होगी, इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।